कुछ दिनों के बाद में कहा कि यस मराठा में प्रॉब्लम है, दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन हुआ, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया था वो गलत था। उसी समय मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कहा कि साहब ये टिकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो पिट जाएगा, गलत हो रहा है, अब ठीक तरह से करो इसको। नहीं मानी सरकार, इलेक्शन आ रखे थे, उन्होंने सोचा इलेक्शन में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, सारी चीजें पॉलिटिकल हो गए वापस। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन को निकाल दिया गया। अब वो निकाल दिया गया तो फिर से बात चली कि अब क्या करें, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। तो फिर वो जो दर्द था, वो दर्द बहुत ही संगीन और बहुत ही खतरनाक तरीके से डेवलप हो चुका था कि भाई हमको मिल गया था आरक्षण, लेकिन फिर हमारा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। जिन बच्चों को नौकरियां लगी थी, 2500 बच्चों को महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियां लगी थी कि मराठा रिजर्वेशन हो गया, और उसके बाद उनकी शादियां हो गई। अब ये अचानक सुप्रीम कोर्ट का आया और सबकी खटिया खड़ी होगी, अब क्या करेंगे हम लोग। तो ये बात जब दर्दनाक, बहुत ज्यादा दर्दनाक हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को हम और गंभीरता से लें, क्यों हम महाराष्ट्र की बात करें। क्या ऐसे लोग कोई है क्या देश में कि जो हमारे जैसे ही पीड़ित हैं। फिर हमने इसके इस बात का अभ्यास किया। इसका और एक वजह यह है कि 102 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर बोला गया कि हम राष्ट्रीय बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट करेंगे, उससे करवाएंगे कि क्या कौन बैकवर्ड है। तो अगर ये नेशनल लेवल पे होने वाला है तो क्यों ना हम नेशनल लेवल पे जाके बात करें। तो हमने फिर इंक्वायरी की कि राजस्थान में क्या हो रहा है, हमने इंक्वायरी की कि बिहार में क्या हो रहा है, हमने इंक्वायरी की उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो जब हमने ये इंक्वायरी की तो हमको लगा कि यार ये तो हमारा अकेले का दुख नहीं है, ये तो बहुत सारे लोगों का दुख है। फिर हमने सोचा कि हम क्यों अलग अलग लड़ रहे हैं, हम सब साथ में क्यों नहीं लड़ते हैं। कोई कह रहा था कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे आरक्षण होना चाहिए, कोई कह रहा था कि कुछ होना चाहिए, कोई कह रहा था कि कुछ होना चाहिए। बेसिकली सारों का जो सारांश था वो ये था कि हमको इनइक्वालिटी से निकालो गया, हमारी इनइक्वालिटी के मारे हमारे करियर बर्बाद हो चुके हैं, हम मर चुके हैं, हमारे बच्चे नौजवान मर रहे हैं।